सभी का स्वागत है। चलिए सीधे देख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अंचल वासियों को एक नया उपहार वायु सेवा के साथ साथ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की इस योजना के साथ यहां पर उपलब्ध हो रहा है। मैं इसके लिए भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्री हरदीप पुरी जी को सबसे पहले गोरखपुर आगमन पर बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज वे स्वयं ही यहां उपस्थित होकर के उन्होंने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश के प्रति जो उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने वायु सेवा के विस्तार के लिए जो कार्य किया, आज से 4 साल पहले तक की स्थिति क्या थी कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शेष अन्य जगह वायु सेवा की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं थी और विगत 4 वर्ष के दौरान जिस तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा बहुत सकारात्मक रुचि ली गई। एयरफोर्स से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज थे उसमें भी एक सकारात्मक पहल हुई और वहाँ से भी हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला और उसके कारण आज न केवल गोरखपुर और आगरा में बल्कि प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली, हिंडन में सफलतापूर्वक हम लोग वायु सेवा को आगे बढ़ाने में सफल हुए। यहां पर वायु सेवा सफलतापूर्वक इन सभी क्षेत्रों से बेहतर तरीके से संचालित हो ही रही है, लेकिन कोई कल्पना करता था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पे 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की ओर अग्रसर हो, 2 फंक्शनल हैं, 3 पे वर्तमान में कार्य चल रहा है, कुशीनगर बनकर भी तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी ही उसे अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ हम जोड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही गोरखपुर के अंदर, अगर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में जहां के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, सोनभद्र में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, ललितपुर और झांसी में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, सहारनपुर में, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, आजमगढ़, श्रावस्ती, यानी 17 ऐसे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां के बारे में कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि यहां पर भी वायु सेवा उपलब्ध होगी। और ये इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब उड़ान योजना प्रारंभ हुई थी कि उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है, एक सामान्य नागरिक भी जिसे हम ये मानते थे कि हवाई चप्पल पहना है तो हवाई जहाज की यात्रा नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उड़ान योजना का उद्देश्य ही होगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है और आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो वायु सेवा प्रारंभ हो रही है, मान करिए गोरखपुर से लखनऊ का कुल किराया उसका 1500 के आसपास पड़ेगा और अगर आप अपनी कार से ही लखनऊ जाएंगे तो आने जाने में कार में 700-800 रुपए देना पड़ता है और यहां पर केवल नहीं, ठीक है रवि किशन जी की बात छोड़ दीजिए, वे सांसद के नाते टोल नहीं देते होंगे लेकिन सामान्यतः आप अनुमान करिए कि 1500 रुपए में लखनऊ गोरखपुर की दूरी तय होना
ये प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करता है जो उन्होंने कहा था आज से 3 साल पहले कि हवाई चप्पल पहने वाला भी वायु सेवा कर सकता, हवाई यात्रा कर सकता है। और यह आज हर एक क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, कितनी वायु सेवा है, आज से गोरखपुर से 4 साल पहले केवल एक विमान सेवा थी गोरखपुर दिल्ली के बीच में, आज तो गोरखपुर मुंबई से भी जुड़ चुका है, बेंगलोर से जुड़ चुका है, हैदराबाद से जुड़ चुका है, कलकत्ता से जुड़ चुका है, और भी नई सेवाएं जुड़े, आज लखनऊ से जुड़ रहा है, फिर अहमदाबाद के साथ जुड़ने वाला है। यहां पर जो यात्रियों का लोड है, यात्रियों की संख्या है, उस यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख करके एक प्रयास हुआ कि इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा वायुसेना से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण यहाँ पे गोरखपुर में हैं, प्रयागराज में हैं और वायुसेना मुख्यालय में, जिन्होंने इसमें बहुत सकारात्मक सहयोग राज्य सरकार को दिया। और मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री नागर विमानन श्री हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने तत्काल इस विस्तारीकरण के कार्य को सहमति देकर के आज इसके यहाँ पे शिलान्यास के कार्यक्रम में स्वयं पधारे हैं। मैं गोरखपुर की जनता की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, ये वायु सेवा केवल जोड़ने का ही माध्यम, केवल हमारा समय ही बचत नहीं करती है, ये हमारे विकास को भी उतना ही गुना, उतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में हर एक ओर विकास के बारे में व्यक्ति के मन में एक नई धारणा पैदा हुई है, हर व्यक्ति विकास के बारे में अब चर्चा करता है, विकास के बारे में नई सोच, एक नए गोरखपुर को, एक नए उत्तर प्रदेश को, एक नए भारत को देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास है। और ये विकास की ये सोच वायु सेवा के साथ जब लोगों का जुड़ाव हुआ है, जो लोग पहले यहां से बेंगलुरु में, मुंबई में जाके निवेश करते थे, अब आज उनके मन में आया कि नहीं, अभी निवेश हम लोग गोरखपुर में करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में करेंगे, रोजगार वहां सृजन करेंगे। आज ढेर सारा विकास का जो कार्य दिखाई दे रहा है, ये विकास के कार्य के साथ उस सकारात्मक सोच का परिणाम है, और सकारात्मक सोच इस दिश से हम लोग आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। यहां पर जो सिविल टर्मिनल है, इसके विस्तारीकरण के कार्य का यहां पर आज ये कार्य संपन्न हुआ है, और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस टर्मिनल बिल्डिंग में, नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के साथ यहां पे एक समय में 200 यात्री एक साथ बैठने की क्षमता यहां पर हो जाएगी, और साथ साथ यहां पर और भी तमाम प्रकार की जो नई एयर कनेक्टिविटी की मांग उठ रही है उसको भी जोड़ने में हमें मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर एयरफोर्स का, जिन्होंने नए एप्रन के लिए भी अपनी स्वीकृति उपलब्ध करा दी है। और ये स्वाभाविक रूप से यहाँ की डिमांड थी, यहाँ की मांग थी, हम लोगों ने तो एयरफोर्स को नए ऑफर भी दिए हैं, उस ऑफर के साथ एयरफोर्स अगर आगे आता है तो राज्य सरकार इसमें एक सकारात्मक पहल करेगी और यहाँ पे एक कॉमन मैन को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन जो एक प्रयास इस समय भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है कि एयरफोर्स के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए हम सामान्य नागरिकों को भी अधिक से अधिक वायु सेवा की सुविधा का लाभ दे सकें, इसमें स्वाभाविक रूप से सिविल जो फ्लाइट है इनके खर्चे भी बचते हैं, बहुत सुविधाएं होती हैं, काफी उसका एक सकारात्मक परिणाम भी सामने आता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज होली का दिन है और होली में आज गोरखपुर से लखनऊ अलायंस एयर की वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है, प्रयागराज से भोपाल के लिए इंडिगो की, प्रयागराज से भुवनेश्वर की भी इंडिगो की वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है, आगरा से भोपाल और आगरा से बेंगलुरु की भी वायु सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 5 स्थानों से देश के 5 अन्य स्थानों पे
वायु सेवा के साथ जुड़ने की एक नई कार्रवाई आज होने जा रही है और कल 29 को आगरा से मुंबई और आगरा से अहमदाबाद की भी इंडिगो की वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। पहले एक वायु सेवा के लिए हम तरसते थे कि जुड़ जाए, कोई एक जगह जुड़ जाए, लेकिन आज भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी कह रही है कि नहीं, जहां भी डिमांड होगी, जहां भी यात्री मिलेंगे और उन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर के उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए समय की बचत भी हो और साथ साथ उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोग अधिक से अधिक विमानन सेवा उन क्षेत्रों के साथ जोड़ने की कार्रवाई करेंगे, एक सकारात्मक पहल विकास के प्रति और नए भारत को एक दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने का एक जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस प्रयास के क्रम में सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुरी जी को, उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो एक सकारात्मक सहयोग दिया। मुझे याद है मंत्री बनने के बाद तत्काल मैंने फोन किया था और हम चाहते थे कि उसके अगले दिन ही लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ हो और मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा मैं जानता हूं आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, अभी आपने मंत्री पद की शपथ ली है और मैं चाहता हूं कल हम लोग लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ करें, इस अवसर पर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हो जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ मेट्रो सफलतापूर्वक फेज सेकंड के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की सेवा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कानपुर, वहां बेहतरीन सेवा जनता को प्राप्त हो रही है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक मेट्रो वहां पर मेट्रो का शुभारंभ करने का हम लोग पूरी कार्य योजना अपनी तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है और मुझे लगता है देश का ये पहला 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जोड़ने की कार्रवाई बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों की दूरी को, यानी 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूरी तय हो जाएगी, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। साथ साथ हम लोगों ने गोरखपुर का भी मेट्रो का पूरी कार्य योजना भारत सरकार में भेज दी है, बहुत जल्दी हम लोग चाहेंगे कि इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ाए। वाराणसी में और बहुत ढेर सारे विकल्प हम लोगों ने प्रस्तुत किए हैं प्रयागराज का और भी अन्य शहरों के लिए मेट्रो की कार्रवाई को, झांसी है, मेरठ है, यहाँ पर भी हम इसको लाइट मेट्रो के साथ जोड़ने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप याद करिए हर गरीब के पास 2022 तक अपने सिर को ढकने के लिए एक अच्छा घर हो, पहले व्यक्ति मांग करता था, आज सरकार ऑफर दे रही है कि अगर 3 लाख से कम उसकी वार्षिक आय है, उसके पास अपनी लैंड है, तो हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आप यहां पर गोरखपुर में आए हैं और गोरखपुर में आप प्रधानमंत्री आवास योजना से चल रहे प्रोजेक्ट का निरीक्षण अपने सामने करने जा रहे हैं। इसके अलावा अमृत योजना के अंतर्गत भी जो कार्य चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर में भी आपने कुछ कार्यों के निरीक्षण का समय निर्धारित किया है। प्रदेश के अंदर 10 स्मार्ट सिटी वर्तमान में बन रही है भारत सरकार के सहयोग से। 7 नगर निगम ऐसे हैं जिन 7 नगर निगमों को हम लोग राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हमने राज्य सरकार की कार्य योजना के हिस्से में इसको लिया है और वही सुविधाएं वहां पर देने जा रहे हैं जो सुविधा भारत सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है, वही अन्य शहरों में भी उन कार्यों को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जल जीवन मिशन अब ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बढ़ने जा रहा है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हमारी DPR की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि हम लोग प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज आपने
गोरखपुर के सिविल टर्मिनल के विस्तारीकरण की इस कार्य योजना के साथ यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं होली के अवसर पर अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके आपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज का इस समय यहाँ पर दिया है। मैं हृदय से आपका गोरखपुर वासियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रदेश में जो 5 नई वायु सेवा आज प्रारंभ होने जा रही है, गोरखपुर से, 2 प्रयागराज से, 2 आगरा से, इसके लिए मैं उन सभी नगरों के नागरिकों को भी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा के अपने सभी नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कल आगरा से 2 वायु सेवा, 1 मुंबई के लिए, 1 अहमदाबाद के लिए प्रारंभ होने जा रही है। वहाँ के भी नागरिकों को मैं फिर से कल होली के अवसर पर भी हृदय से बधाई देता हूँ। मेरा विश्वास है होली का उत्साह, होली की उमंग हम सबको इन नई उपहार के रूप में एक नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर उनके आगमन के लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री डी के कामरा सर से सादर अनुरोध है कि आप मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करके हम सभी की ओर से एक होली का यह स्मृति चिन्ह उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक महोदय श्री डी के कामरा सर के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट की जाती हुई। इसी क्रम में स्मृति चिन्ह आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय नागर विमान एवं आवासन मंत्री, साथ ही साथ स्मृति प्रदान किया जाना है माननीय नागर विमानन मंत्री उत्तर प्रदेश श्री नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के साथ साथ लोकसभा सांसद माननीय गोरखपुर क्षेत्र